अवतारा कुत्तों का आतंक, दो दर्जन लोगों को काटा। जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं, डॉक्टर कर रहे हैं मोटी कमाई। यूपी के रामपुर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां 5 दिन में आवारा कुत्तों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के लिए इंजेक्शन ही नहीं मौजूद है। ऐसे में डॉक्टर बाहर से मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लिखकर 300 से 800 रुपए के मरीजों से मंगवा कर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अस्पताल के ही इंजेक्शन बाहर मेडिकल स्टोर पर रख कर उनकी पहचान खत्म कर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इतना बड़ा खेल हो रहा है और जिला प्रशासन इस पूरे मांजरे पर चुप्पी साधे हुए है। वो भी मौन का लगा, मतलब मना कर दिया था। ये किसने पर्ची दी है? ये तो अभी ने लिखी डॉक्टर सामने, मगर ये इंजेक्शन हमारा मौन का लगा, 350 रुपए। यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, टेटनिस तक का नहीं लगाया इंजेक्शन, वो भी मौन का लगा था। अस्पताल में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। 350 रुपए बाहर से खरीदा, यानी ब्लैक करा जा रहा है मेडिकल वाले। पूरा गाल इंजेक्शन लगाया इसमें? नहीं, पूरा गाल नहीं। तीन तो यहाँ लग गए, जो लगवाने आए थे कह रहे खत्म होगा, ब्लैक से लेके आओ। हमने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी ले रखी है, ब्लैक से लेके आओ जाके। हमने कहा इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो कह रहा नुकसान होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी कोई हमारी। तो कितने का बता रहे हैं बाहर अस्पताल के बाहर? 350 रुपए का दिया। तो ब्लैक में बेचा जा रहा है? हाँ, बेचा जा रहा है। अस्पताल में कोई इंजेक्शन नहीं है अभी तो, मना कर रहा है फिलहाल। कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर? तो काफी लोग चले, कम से कम 10-15 लोग चले गए वापसी। उन्होंने पूछा कि कोई खराबी तो नहीं आएगी इसमें, कह रहे इसमें कोई गारंटी नहीं हमारी। ठीक। और पीड़ित मरीजों को खुलेआम लूटा जा रहा है। बहरहाल रामपुर जिला अस्पताल में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को इस वक्त रेबीज के इंजेक्शन की जरूरत है, पर जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और नोटिस चस्पा कर डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? के अंदर इंजेक्शन नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और ये लोग क्या कह रहे हैं? यार देखिए, ये मेरा जो है आज 3rd डोज लगना चाहिए था। मैं जब हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे नोटिस पे लगा हुआ था कि इंजेक्शन समाप्त हो चुके हैं। तो मैंने पूछा कि भाई इंजेक्शन खत्म होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी बीमारियाँ हैं उससे हम लाइफ को बचाया जा सकता है, वेंटिलेटर से भी पेशेंट को लाया जा सकता है, लेकिन इतना सेंसिटिव होता है, इस पे अगर इफेक्ट हो गया बच्चे को या किसी को पेशेंट को, तो इसको लाइफ में दोबारा रिटेक नहीं है उसका लाइफ में। तो इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दिखाई? दूसरी चीज़, आपका स्टॉक खत्म होने वाला था या होने 5 दिन का स्टॉक रह गया है, तो उससे पहले आपको डिमांड देके मंगवा लेना चाहिए था। आपका बिल्कुल 0/0 हो जाने के बाद आप यहाँ पर नोटिस लगा रहे हो, खाली नोटिस लगाने से मतलब नहीं निकलता है। आप दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप लोग यहाँ बैठे हो, गवर्नमेंट की पेमेंट ले रहे हो, गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। कितने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा? अब लोग कहाँ से ले रहे हैं इंजेक्शन? अभी ये लोग तो सारे जो है LP करके, अभी काफ़ी लोग मजदूर आदमी है, ये भैया मजदूर है, इनकी वाइफ रो रही है, किराए के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से बताइए लेंगे? कितने का इंजेक्शन बाहर से खरीदा जा रहा है? बाहर का जो मेडिकल है वहाँ पे सब LP कर रहे हैं, ये मतलब ब्लैक में बेच रहे हैं, और 800 रुपये 1000 रुपये ऐसा ले रहे हैं इंजेक्शन का। ठीक। तो इस तरीके से गरीब आदमी कैसे करेगा? ये कितने कुत्तों को काटा होगा यहाँ लगभग? कितने यहाँ पर देखिए, जितने भी खड़े हैं सारे बेटा लगे हो या अपने बच्चों को लगे, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे। आप शिकायत किससे कर रहे हैं आप इसकी? मैं तो ये प्रशासन से करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अगर पेमेंट ले रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, खास करके इस तरीके के मैटर को जिसमें लाइफ में रीटेक नहीं है। ठीक। दोबारा वापस नहीं लिया। शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से? तो ये बिल्कुल जी, क्योंकि मैंने जो है अभी सचिव साहब से भी बात करी थी, उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन भेजिए, और इमीडिएटली ये देखिए उन्होंने एड्रेस भी लिखवाया है, मुख्यमंत्री आवास मार्ग 5 कालिदास मार्ग लखनऊ 22601, ये एड्रेस लिखवाया, बोले इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, आप एप्लीकेशन भेजिए। तो यहाँ पर इतने लोग हैं सारे जो है परेशान है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।